नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं BBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स के बारे में। दोस्तों, इस कोर्स का एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, इस कोर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, एंट्रेंस एग्ज़ाम कौन कौन से होते हैं, इसके अलावा सिलेबस क्या है, बेस्ट कॉलेज कौन से हैं, इस कोर्स को करने के बाद आपको कौन सी जॉब मिलेंगी। तो दोस्तों, वीडियो में पूरा बने रहें ताकि आपको फुल इन्फॉर्मेशन के बारे में पता चल सके। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि कोर्स की हाइलाइट्स क्या हैं। दोस्तों, कोर्स का जो लेवल होता है वो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। इस कोर्स की जो ड्यूरेशन होती है वो 4 ईयर होती है। इसका जो एग्जामिनेशन टाइप होता है वो सेमेस्टर वाइज होता है। दोस्तों, जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम और इसके अलावा डायरेक्ट एडमिशन भी हो जाता है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस हो, कहीं कहीं पर मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन हो जाएगा। दोस्तों, बात करें कोर्स के फीस की, तो आपकी फ़ीस पूरे 4 साल की रहती है। 1 लाख से 1.5 लाख रुपए तक आपकी फ़ीस पड़ती है। तो दोस्तों, आइए आप जान लेते हैं हम कि BBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। अगर आपने 10+2 मतलब 12th अगर पास किया हुआ है किसी भी मान्यता प्राप्त कॉलेज से विथ फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये मेन सब्जेक्ट इनसे, इसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम से भी हैं तब भी आप इसमें फॉर्म अप्लाई करके ये कोर्स कर सकते हैं। 12th में आपके 45 से 50% मार्क्स होने चाहिए तभी आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे एंट्रेंस एग्ज़ाम की। दोस्तों, BBA एग्रीकल्चर के लिए कोई भी स्पेशल एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं है। दोस्तों, इसमें कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से। दोस्तों, जैसे महाराष्ट्र के लिए MHT CET एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा आपके 12th में भी अच्छे परसेंटेज होने चाहिए। इसके अलावा कुछ और भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं जैसे MAT CMAT, इसके अलावा CAT CUCET जैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें BBA एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के जो टॉप कॉलेजेस हैं, पहला कॉलेज आपका आता है पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा। इसकी जो एवरेज फीस होती है वो 60,000 रुपये है। इसके अलावा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी CU, ये जो कि चंडीगढ़ में पड़ती है, यहाँ की जो एवरेज फ़ीस है वो 1,05,000 रुपये है। इसके अलावा ग्लोबल बिजनेस स्कूल एंड रिसर्च सेंटर जो कि पुणे में है, इसकी जो एवरेज फ़ीस है वो 90,000 रुपये है। दोस्तों, ये सभी कॉलेज हैं, आप देख सकते हैं, और आपको यहाँ पर एडमिशन एंट्रेंस बेस पर आपको एडमिशन होगा, आपको यहाँ पर एडमिशन के लिए एंट्रेंस देना होगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे BBA इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स के लिए कौन सा सिलेबस रहता है, आपको क्या क्या पढ़ना होगा। बात करें जो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना होगा, एग्रो टेक्निक्स ऑफ प्रिंसिपल क्रॉप एंड एग्रोमेट्रोलॉजी, प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑफ फ्रूट क्रॉप, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड नेचुरल रिसोर्स इकोनॉमिक्स, स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इंट्रोडक्शन टू एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये सभी सब्जेक्ट आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ने होंगे। बात करते हैं सेकेंड सेमेस्टर की, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग सिस्टम, इन्वायरमेंटल साइंस, सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर्स एंड न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, फार्म स्ट्रक्चर मशीनरी एंड ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, फार्म बिजनेस मैनेजमेंट, ये सभी सब्जेक्ट आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ने होंगे। बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर की, प्रोडक्शन मैनेजमेंट ऑफ वेजिटेबल एंड फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स, सॉयल वाटर एंड प्लांट एनालिसिस, एनिमल प्रोडक्शन मैनेजमेंट, इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट, इसके अलावा पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ सीरियल पल्सेस एंड ऑयल सीड्स, इंटीग्रेटेड डिसीज मैनेजमेंट, एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन इंस्टीट्यूशन एंड मैनेजमेंट, मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन स्किल फॉर बिजनेस मैनेजमेंट। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आपको 4 सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना होगा। पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, वैल्यू एडिशन इन एनिमल प्रोडक्ट्स, साइंटिफिक मेथड्स इन रिपोर्ट राइटिंग, इनपुट मार्केटिंग मैनेजमेंट, रूरल मार्केटिंग एंड मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर, कंज्यूमर बिहेवियर, एग्री बिजनेस ऑपरेशन, इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एग्री बिजनेस, इसके अलावा ऑफिस प्रोसीजर्स फॉर एग्री बिजनेस, ये सभी सब्जेक्ट आपको 4 सेमेस्टर में पढ़ने होंगे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे आपको 5th सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा।
नंबर वन पे इंडियन एग्रीकल्चर पॉलिसीज, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट टेक्निक्स, रिटेल मार्केटिंग, चार्टिंग ऑफ एग्रीकल्चरल, मार्केट एंड ट्रेड, एग्रो टूरिज्म, प्रोडक्शन मैनेजमेंट प्लानिंग एंड कंट्रोल, एग्रो प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड पॉलिसीज। ये सभी सब्जेक्ट आपको फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ने को मिल जाएंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि सिक्स सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। बायो फर्टिलाइजर एंड मशरूम प्रोडक्शन, इसके अलावा प्लानिंग फार्मूलेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस प्रोजेक्ट्स, इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन एग्री बिजनेस, इसके अलावा ट्रेडिंग ऑफ एग्रीकल्चर, इसके अलावा मार्केट लेड एक्सटेंशन, इसके अलावा प्रोडक्ट प्रमोशन मेथड्स, इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मार्केट सर्वे एंड प्राइस एनालिसिस। ये सभी सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, आपको सिक्स सेमेस्टर में पढ़ने होंगे। बात करते हैं सेवन सेमेस्टर की। दोस्तों आपको सेवन सेमेस्टर में क्या पढ़ना पड़ेगा। इस सेमेस्टर में आपको मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ना होगा। बात करते हैं एट सेमेस्टर की। इसमें दोस्तों आपको इम्प्लांट ट्रेनिंग होगी, आपकी पूरे सेमेस्टर में आपका ट्रेनिंग चलेगी। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि ये कोर्स करने के बाद आपको कौन कौन सी जॉब मिलेंगी। ये कोर्स करने के बाद आप एग्री बिजनेस मैनेजर बन सकते हैं, इसके अलावा मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हैं आप, फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं आप, और इसके अलावा ट्रेडर बन सकते हैं आप, एनालिस्ट की जॉब भी पा सकते हैं। ये सभी जॉब हैं जो आपको इस कोर्स करने के बाद आपको मिल सकती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो हेल्प कर सकती है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरे कोर्स पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे और आप तक आने वाली वीडियो पहुंच सके। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।